जय हिंद दोस्तों, एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जब हम लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ना पड़ता है कि प्लांट पैथोलॉजी में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ घटी है, कौन कौन से प्रमुख खोज हुए हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इनसे जो है हर एक एग्जाम में अगर प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगस, कवक का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, देखिए, एक होता है कमाई, एक होता है सफाई, इसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। कमाई मतलब क्या हुआ, देखिए, कौश है कवक, कौश है क्या हो गया, कवक मतलब फंगस, ठीक है, माई से क्या हो गया, माइकोलॉजी, माई से क्या हो गया, माइकोलॉजी, मतलब कि मतलब हुआ कि फंगस स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोलॉजी, ठीक है। यानी कमाई मतलब क्या, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, सफाई, सफाई मतलब क्या होगा, स्वास्थ्य, शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या, माइकोलॉजी, स्व मतलब क्या हो यहाँ पर, शैवाल, शैवाल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलगी, ALGAE, एलगी, ठीक है। उसी प्रकार से फाई, ठीक है, सफाई, यानी क्या कि फाई मतलब हो गया फाइकोलॉजी, 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 ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, कमाई मतलब कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी, सफाई शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पढ़े थे फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं हम लोग जो है पी ए माइकेली को, ठीक है, यही इनका नाम है, पी ए माइकेली, पी ए माइकोली को जो हम लोग जो फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है बताया था क्या कि फंगस जो है वो स्पोर से आते हैं, है ना, फंगस, फंजाई कम्स फ्रॉम स्पोर्स, फंगस जो कहाँ से आते हैं, स्पोर्स आते हैं। इनकी एक बुक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा बुक है, नोवा प्लांटेनम जेनेरा, नोवा प्लांटेनम जेनेरा इनकी एक फेमस बुक है, ठीक है। इस बुक में उन्होंने जो फंगस के बारे में बताया है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पी ए माइकेली, उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया था फंगस जो स्पोर से आते हैं, मतलब जहाँ भी स्पोर होगा वहाँ पर फंगस होगा, ठीक है। और उनकी एक बुक कौन है, नोवा प्लांटेनम जेनेरा, इससे जो है इस बुक के बारे में हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो है नोवा प्लांटेनम जेनेरा बुक किसने लिखी है, तो पी ए माइकेली ने। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी में जो है सबसे पहला किताब का क्या नाम था। तो अब हम लोग बात करें सेकेंड का आंसर के बारे में, सेकेंड का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो था प्लांट पैथोलॉजी में वो था द डिजीजेज ऑफ, ठीक है, पहले हम बुक लिख लेते हैं, बुक कौन है, द डिजीजेज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स दियर कॉज, दियर कॉज एंड दियर कंट्रोल, ये जो है फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी का। इस बुक को किसने लिखा था, तो जे जी कुहन ने लिखा था, जे जी कुहन ने लिखा था, कब लिखा था, तो 1858 में लिखा था, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि प्लांट पैथोलॉजी का सबसे पहला बुक कौन था, दी डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स दियर कॉज एंड दियर कंट्रोल, इस बुक को किसने लिखा था, तो जे जी कुहन ने, कब, 1858
एट में। तो दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो होता है एक फंगस कारण। किससे होता है? फंगस कारण। उस फंगस का क्या नाम है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स। ठीक है, इन्फेस्टॉन्स, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना है। और इसी के कारण जो है ना आयरलैंड में अकाल पड़ा था, मतलब आयरिश फेमाइन। इस पर मेरा एक वीडियो भी है, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीका से जो है ये आयरिश फेमाइन और बंगाल फेमाइन के बारे में बताया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देखिए, आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीका समझ में आएगी कि क्या सीन था उस समय। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आंसर थ्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसका पूछ रहा है किससे होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है? एक फंगस से होता है, सबसे पहला फंगस से होता है। और इस फंगस का क्या नाम है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स, इन्फेस्टॉन्स। ठीक है, और इसी के कारण जो है 1845 में जो है आयरिश फेमाइन आया था। आयरिश फेमाइन उसमें हुआ क्या था कि आयरलैंड के जो लोग थे उनका जो स्टेपल फूड होता है, उनका जो मुख्य आहार होता है वो जो है आलू था। जैसे क्या, तो वेस्ट बंगाल के जो लोग होते हैं उनको चावल चाहिए ही चाहिए। अगर आप उनको जो है एक दो दिन तक कुछ कर खिला भी देते हैं तो उनको जो है दो तीन दिन के बाद चावल चाहिए ही चाहिए खाना में। तो उसी प्रकार जो आयरलैंड का जो जो लोग थे उस समय के 1843 के बाद है, तो उनका स्टेपल फूड क्या था? पोटैटो। तो पोटैटो में एक रोग लग गया, उस रोग का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पिछेती अंगमारी रोग। यह फंगस कारण होता, फंगस का नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स। तो आलू में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया था जब आलू का उपज उतना अच्छा हुआ नहीं, चूँकि लोग आलू पर ही डिपेंडेंट थे, वहाँ पूरे अकाल पड़ गया। अब खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, लोग जो भूख से मरने लगे। तो 1.5 मिलियन, मतलब कि लगभग 15 लाख लोग जो वहाँ से माइग्रेट कर गए और जो वहाँ से चल के वहाँ से जो है दूसरी जगह कहीं पर चले गए। तो ये आयरिश फेमाइन का हिस्ट्री। ठीक है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म को आप लोग जो ध्यान रखिएगा। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? अब हम लोग बात करेंगे फोर का आंसर के बारे में। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जब हुआ था तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक फंगस से होता है। इससे पहले जो लोगों को नहीं पता था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस कारण से हो रहा है, तो उन्होंने ही जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज है वो एक फंगस कारण होता है, और फंगस का नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स। ठीक है, इसी कारण से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, या इनको बोलते हैं फादर ऑफ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉफी रस्ट। ठीक है, फाइव का आंसर क्या? कॉफी रस्ट। ठीक है, तो कॉफी रस्ट जो है सबसे पहले कब आया था? तो 1867 में। कहाँ पर आया था? तो श्रीलंका में, श्रीलंका में आया था। किस कारण से आया था? ड्यू टू, इसका है हेमेलिया वेट्रिकोला। ठीक है, किस कारण से आया था? तो कारण क्या था? हेमेलिया वेस्टिट्रिकोला, हेमेलिया वेट्रिकोला। ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आता है, कब आया था ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है कॉफ़ी रस्ट कब आया था। तो कब आया था? 1867 में कॉफ़ी रस्ट आया था।
अगला क्वेश्चन है कि जो बॉडी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बॉडी ऑफ मिक्सचर से जो है इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो बॉडी ऑफ मिक्सचर का जो है खोज कौन किया था। तो सबसे पहले जो है बॉडी ऑफ मिक्सचर जो है इसको पढ़ते हैं, बॉडेक्स मिक्सचर या बॉडी ऑफ मिक्सचर जो आपको पढ़ना है, बॉडेक्स मिक्सचर, मिक्सचर इसका खोज किया था पी ए मिलारडेट। एक्चुअली में क्या है, बॉडेक्स एक्स जो है यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। इसमें तीन चीज़ होता है, ठीक है, इसमें तीन चीज़ होता है, क्या क्या होता है, इसका ट्रिक है क्लास, क्लास वर्क, मतलब सेल मतलब क्लास, डब्ल्यू मतलब वर्क, ठीक है। देखिए सीस हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट होता है 5 पाउंड, ठीक है। उसके बाद होता है एल, ठीक है, एल से होता है लाइम, लाइम मतलब होता है चूना, ये भी होता है 5 पाउंड। उसके बाद होता है वाटर, वाटर होता है 50 गैलन। अगर हम तीनों का देखें क्या कि तीनों किस अनुपात में होता है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, लाइम होता है CaO और वाटर होता है, ठीक है, इन तीनों का जो अनुपात होता है वो होता है 5:5:50, ठीक है। बहुत बार इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि जो है कॉपर ये बॉडी मिक्सचर में जो है कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और किस अनुपात में होते हैं, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। और इससे क्वेश्चन आता है कि जब बॉडी मिक्सचर का जब खोज हुआ था तो वो जो है बहुत इफेक्टिव, मतलब क्या उससे जो है ना डाउनी मिल्डू ऑफ जो ग्रेप वाइन हुआ था उसको जो है क्या कि रोकने में इस कंपाउंड का जो है बेहद योगदान था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वायरल डिजीज यानी कि विषाणु से होने वाला प्रथम रोग कौन है उसके बारे में पूछ रहा है, विषाणु से सबसे पहला रोग कौन हुआ था। आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे TMB है ना, तो बैकोमोजक डिजीज जो सबसे पहला डिजीज था जिसको जो है सबसे पहले खोजा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वायरल डिजीज, क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। तो फर्स्ट डिजीज कौन था, टोबैको वायरस, सॉरी टोबैको मोजेक डिजीज, मोजेक डिजीज, ठीक है, TMB इसको बोलते हैं। ये होता है, ये क्या था, ये था फर्स्ट वायरल डिजीज था, ये विषाणु से होने वाला प्रथम रोग, ठीक है। यह जो है रोग जो है इसको खोजा किसने था, तो एडोल्फ मेयर ने जो है सबसे पहले इस डिजीज के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टर्म वायरस किसने दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो वायरस टर्म दिया था एम डब्ल्यू बेंजरनिक ने जो है वायरस टर्म दिया था, ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी, किनको बोलते हैं, MI वेंजरनिक को बोलते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, और इन्होंने ही जो दिया था टर्म वायरस इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर कितना है, यह है 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस, तो इसके बारे में बताया था आर एच बिफेन, ठीक, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो ये है EJ बटलर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आप आते हैं, ठीक है, तो ये कौन है EJ बटलर, इन्होंने जो है इनको जो है फादर ऑफ प्लांट
फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, या इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। इनकी एक किताब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, कौन सा किताब है, फंगी एंड डिजीज, ठीक है। इनकी किताब, उस किताब का नाम है फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स, इस किताब का नाम है, ठीक है। इन्होंने जो है इंडियन फंजाई के बारे में बहुत अधिक अध्ययन किया, ठीक है, तो और उन्होंने उस पर किताब भी लिखा, तो इस कारण से इनको जो है हम लोग ई जे बटलर को फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।